नमस्ते राम कृष्ण हरी गुड मॉर्निंग गाइस करते मिल्किंग गोट मिल्किंग पूरा दूध निकला है बकरी का। तो चलिए हम आपको आज हमारे वार्डेंस ने हमको बोला था हमारे हमको भेड़ के बारे में भी जानकारी दो, तो हम आपको भेड़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इधर ही भेड़ है, देखिए खड़ी है। वैसे तो बहुत सारी भेड़ है हमारे पास। तो ये भेड़ के बारे में ऐसे है कि भेड़ ऐसे बहुत ही बकरी का जैसा नहीं होता है। इनका जैसे हम नए भेड़ लेके आते हैं इनके साथ, तो ये मारती भी नहीं है, कोई भेड़ मारती नहीं है। जैसा बकरियों का जैसे हम नई बकरी लाए तो वो मारेंगे जरूर, सब मारेंगे उसको ऐसा है, पर भेड़ कभी नहीं मारेंगे। तो भेड़ इतना मुझे दो बच्चा देती है, ऐसे भी भेड़ है हमारे पास दो बच्चा देने वाली और एक ही बच्चा देने वाली। तो भेड़ का दूध बहुत ही पावरफुल रहता है। तो एक कप लिया तो भी बहुत ही गूंगे आता है, मुझे नींद जल्दी आती है भेड़ के दूध से, सुस्ती आती है। तो वैसा बकरी का दूध आयुर्वेदिक होता है और सब बीमारी के लिए भी फायदेमंद है। और भेड़ का भी दूध अच्छा है। हम भेड़ का दूध हमारे लिए जो हमारे जॉइंट दुखते हैं ज़्यादा, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। तो हमारे जिसके भी जॉइंट उन लोगों के जॉइंट दुखते रहेंगे, घुटने में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, तो वो लोगों ने भेड़ का दूध हमेशा पीना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो आधा ग्लास रोज पीना चाहिए, तो उससे आपका दर्द कम हो जाएगा और बहुत ही अच्छा होता है भेड़ का दूध। उसके बच्चे देखेंगे तो बहुत ही अच्छे होते हैं। उनका दूध कम रहता है भेड़ का, तो उनके लिए वही बहुत पावरफुल रहता है। उनके बच्चे को कोई देने की ज़रूरत नहीं, उसका माँ का दूध बहुत ही अच्छा रहता है। और उनके साथ उसका उसके साथ में बैठने का उसका तो बहुत ही बच्चे जल्दी सुधरते हैं। वो माँ के पास रात भर बैठ गई तो भी बहुत ही अच्छे
जल्दी बड़े होते हैं, उनका अलग रखने का काम ही नहीं है। ऐसा है तो और एक बात है, भेड़ आप घर में भी रख सकते हैं। कैसा है आपको भेड़ किधर चराने को नहीं लेके जाते तो भेड़ और बकरियाँ ऐसा रोता है। अच्छा, मुझे कभी आप एक ही जगह चरने को रखे तो मुझे मेरे को बोलता कैसे फार्म हाउस, आप एक ही जगह मुझे किधर भी जगह पे ही चरा डाल सकते हैं। ऐसा है भेड़ का भी, पर भेड़ को जितना आप चराएंगे बाहर उतना ही अच्छे रहेगा रहता है। वैसा बकरियों को एक साथ मुझे दिन भर एक ही जगह आप डाल सकते हैं तो बकरी को चलता है। ऐसा कुछ नहीं बोला, बकरी जल्दी वो मुझे घास मक्का से जल्दी सुस्त होती, तो ये कैसा रहता है भेड़ का, उनको घुमाना ही पड़ता है, अलग अलग खेत में रोज जाना पड़ता है उसके लिए। ऐसा है भेड़ का, आप जगह के वो जल्दी आपको बच्चे भी अच्छे देगी और उसको बीमारी से भी आप दूर रखेंगे। ऐसा होता है तो और एक बात है कि बच्चे आप भेड़ को जब चराने को लेके जाते हैं तो हमारे पास ऐसा है कि हम बकरियाँ बहुत कम किया है, 10 बकरियाँ रखा है और भेड़ ज़्यादा है हमारे पास। तो क्योंकि भेड़ हम लेके जाते तो चराने को रास्ता दिखाने का काम बकरियाँ करती, इसलिए बकरियाँ रखा है। तो पहले बुलाने के बाद हम आगे चलते तब हम बुलाएंगे ना आजा करके, तो सब बकरियाँ पहले आएंगी, उसके पीछे भेड़ आएंगे, ऐसा रहता है। तो भेड़ आपको बकरियाँ आपको रखना ही पड़ेगा, भेड़ रहेगा तो 4-5 बकरियाँ जरूर रखिए, तो ऐसा रहता है। तो ज़्यादा मत रखिए, आपको भेड़ का फार्म बनाने का है तो आप बकरियाँ कम रखिए और भेड़ ज़्यादा रखिए, ऐसा है। तो इतना ही आपको मैंने बता दिया है, जो मेरे को सब इतना मालूम हो गया। हमारे पास 4-5 साल से भेड़ बकरियाँ है, तो पहले बकरियाँ थी, अभी भेड़ जा रखा है। हमने भी आया बहुत, मुझे बकरी के बच्चे इतने जल्दी नहीं होते, हमारे पास क्या घर का घास नहीं रहता है उनके लिए, तो हम बकरियाँ सब कम किया है, 10 बकरियाँ रखा है और भेड़ ज़्यादा रखा है। इसलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।